माई चैनल एंड आज हम लोग स्कॉडा स्लाविया रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने 6-7 महीने पहले स्कॉडा स्लाविया ली थी एंड अभी हो चुके हैं 6400 किलोमीटर। तो बेसिकली मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर जो ओनरशिप रिव्यू है वो बनाया जाए, क्योंकि रिव्यू तो मैंने मतलब बेसिकली जो फीचर्स और वो सारे समझाने थे वो तो उस टाइम पे नहीं बताए थे, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा जो पार्ट्स जो हैं लगे हुए हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसका एक एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या रहता है ना, अच्छी रहती गाड़ी कुछ पता नहीं लगता है, बट अभी क्या है, अभी मैंने यूज़ कर ली है, ऑफ रोड करके भी थोड़ा बहुत देख लिया है, लॉन्ग ड्राइव पे भी ले गया हूँ, थोड़ा बहुत रोड जहाँ ख़राब रहता है बेसिकली वो वाले भी एक्सपीरियंस पता है। तो उसके टाइम पे मतलब कैसा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, स्कॉडा ने जितना भी एफर्ट्स डाले हैं बेसिकली वो आज बताएंगे, और प्रॉस एंड कॉन्स कैसे हैं, बाकी माइलेज वाइलेज क्या रहता है और बाकी फीचर्स भी कवर करके आप लोगों को बताएंगे बेसिकली। तो अभी जल्दी से चलते हैं और आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या क्या जो स्कॉडा स्लाविया के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। तो गाइज शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और बेसिकली ये है स्कॉडा स्लाविया की चाबी जो कि यहाँ से अनलॉक करेंगे। तो यहाँ की जो ऑटोमेटिक लाइट है वो जल जाती है, वैसे तो मैंने अभी ऑफ कर रखी है। तो शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट से बेसिकली। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को फ्रंट में जो यहाँ पे लाइट्स दिख रही हैं बेसिकली वो आ जाती है प्रोजेक्टर लैंप, और नीचे जो आ जाते हैं फॉग लैंप्स वो हैं हेलोजन, एंड उसके अलावा जो आप लोगों को बॉनेट पे यहाँ पे मिल जाता है स्कॉडा का लोगो, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड उसके साथ ही में जो ग्रिल है इसकी काफ़ी ब्यूटीफुल सी दी गई है, इस गाड़ी के हिसाब से जो डिज़ाइन है सेट होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है ना स्टार्टिंग से मतलब बाहर से देखते हो ना हंसती हुई गाड़ी है। बाकी जो ओवरऑल लुक है ऐसा है कुछ गाड़ी का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गुड ईयर के टायर मिलते हैं 205/55R16, एंड ये जो अलॉय है आप लोगों को दिख रहा है ये वाला अलॉय टॉप मॉडल में आता है बेसिकली। इससे एक नीचे वाला वर्जन है वो है एम्बिशन। तो ये वाला जो आप लोगों को मॉडल दिख रहा है ये है स्कॉडा स्लाविया स्टाइल, एंड यही टॉप मॉडल आता है। एंड मैंने टॉप मॉडल क्यों निकलवाया वो आप लोगों को बेसिकली फीचर देख के पता लग जाएगा, क्योंकि एम्बिशन जो फीचर है ना उस मतलब एम्बिशन मॉडल जो इससे नीचे वाला आता है उसमें सारे फीचर्स नहीं आते, बहुत सारे फीचर्स मिसिंग थे, एंड जो प्राइस डिफरेंस था वो बेसिकली 1 लाख का था तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, तो उसकी वजह से मैंने ये सेलेक्ट किया। इसमें फ़ायदा क्या क्या हो जाता है अब आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से लाइट से। यहाँ पे लाइट जो आप लोगों को मिल जाती हैं ये प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, लाइट जो नाइट में विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी रहती है। ग्रिल देखोगे आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुल सा दिखेगा, और बेसिकली इसको क्रोम फिनिश भी करा सकते हो। वैसे इसमें जो ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिश है अगर आप लोगों को पास में से दिखाता हूँ तो, एंड जो नीचे के जो दो फॉग लैंप्स हैं वो हैं हेलोजन। इसके साथ में साइड में आ जाते हैं बेसिकली, साइड में आप लोगों को यहाँ पे स्कॉडा स्लाविया का जो स्कॉडा का जो है वो ब्रांडिंग मिल जाता है। बाकी आप लोगों को इंडिकेटर्स यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर रहते हैं उसमें भी मिल जाता है। टायर की बात की जाए तो टायर में बेसिकली आप लोगों को मिल जाता है अलॉय, ये है 205/55R15 गुड ईयर के टायर, गुड ईयर एश्योरेंस के टायर। एंड यहाँ पे जो आप लोगों को पीछे जो दिख जाएगा इसका लुक कुछ इस तरीके का है। एंड एक चीज़ और अच्छी लगी थी मेरे को कि यह आप लोगों को ना यहाँ पे क्रोम फिनिश ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, यहाँ पे जो फिटिंग रहती है स्टाइल वेरिएंट में आप लोगों को क्रोम फिनिशिंग का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है स्कॉडा स्लाविया में। एंड उसी के साथ में आप लोगों को ना बूट स्पेस दिखाता हूँ, बूट स्पेस कितनी ज़्यादा है, इग्नोर द आइटम्स क्योंकि ये सारा ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो इसकी जो बूट स्पेस की बात की जाए तो ये है 521 लीटर, एंड मैं जब गोवा ट्रिप पे गया था कोई टेंशन नहीं थी, मतलब यहाँ पे मैंने कम से कम नहीं 5 जो ट्रॉली थी वो रखी थी, आराम से आ गई थी। अगर आप ऐसे खड़े खड़े रखोगे तो यहाँ पे अच्छी खासी आप लोगों को स्पेस मिल जाती है। एक चीज़ और अच्छा ऑप्शन रहता है जो सीट रहती है ना वो आप लोगों की आगे रहती है, तो आप लोग अगर दो ट्रैवल कर रहे हो तो वो आप लोगों को ना कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, जो आप लोगों का जो स्पेस है वो भी काफ़ी रहेगा। इसी के साथ में आप लोगों को जो फ्यूल का जो है जो फ्यूल भरने का है ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी जो आप लोगों ओवर बाहर का लुक है वो आप लोगों को पता लग गया बेसिकली, यहाँ पे आप लोगों को आ जाता है सनरूफ, यहाँ पे आप लोगों को सनरूफ भी मिल जाता है टॉप मॉडल में जो कि एम्बिशन में नहीं मिलता है। अंदर की बात करें तो यहाँ पे अंदर में आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है गाड़ी का इंटीरियर लुक। तो यहाँ पे इस तरीके का है अंदर का डैशबोर्ड, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप सा, मतलब बेसिकली बाकी जो गाड़ियाँ हैं ना मैंने देखा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लुक नहीं है, बट इसमें मेरे को ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा लुक मिला है। एंड इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे लाइट्स दिख जाएगी, यहाँ पे ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाएगा, एंड सनरूफ से कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी देखो एक और प्लेन जाएगा यहाँ से,
तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट और स्टॉप बटन दिया गया है। क्वालिटी जो अंदर की है ना काफ़ी अच्छी दी है इस गाड़ी में। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है कि जो आप लोगों को डैशबोर्ड क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे जैसे ग्लॉसी वाला फिनिश दिया है, थोड़ा बहुत स्क्रैच आ सकता है कि बेटर है इसमें PPF करा दो। मैंने अभी तक नहीं कराया। यहाँ पे स्क्रीन गार्ड लगाया है और ये डिजिटल कंसोल मिल जाता है। डिजिटल कंसोल में बेसिकली आप लोग क्या है ना यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप लोगों को ना इसका डिस्प्ले चेंज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। बाकी जो यहाँ पे स्क्रीन मिली हुई है आप लोगों को, ये स्क्रीन इंफोटेनमेंट जो स्क्रीन है थोड़ा सा ग्लेयर आ रहा है पीछे सनलाइट की वजह से, बट इसका मतलब टच है काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी जब मैंने निकलवाई थी तो इसमें जो स्कॉडा का है वही टच स्क्रीन था, बट उसके बाद में 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बढ़ भी गया था और उसी के साथ में जो यहाँ पे आप लोगों को जो वायरलेस चार्जिंग मिलती है वो हट गया था। देन उसके बाद में ये भी 8 इंच का हो गया, इसमें 10 इंच का है, तो ये एक अच्छा मेरे को एडवांटेज पड़ गया। बाकी आगे की और बात की जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है कि अगर और फीचर्स की बात की जाए तो ये आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पे छोटा पर्स वर्स कैरी करने के लिए। ये है नॉब लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, तो अगर आप लोगों को रात हो जाएगी तो थोड़ा सा वो भी शॉट दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये जो शॉट है वो ओवरले में दिख रहा है बेसिकली इसका लाइट थ्रो कैसा है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे मिरर डाउन करने के लिए ये सारा कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाता है। और ये है यहाँ पे कंट्रोल, बेसिकली ये बंद करना है तो आप बंद कर सकते हो इसको, ये देखो तो ये बंद हो गया। एंड इसके बाद में खोलना है तो इसको दोबारा सिंगल क्लिक से खुल जाता है। बाकी आप जो मिरर है वो एडजस्ट कर सकते हो। इसी के साथ में जो थोड़ा सा इसको साइड में हटा देते हैं, इसी के साथ में आप लोगों को ये जो आर्म रेस्ट मिलता है, आर्म रेस्ट में भी अच्छा खासा स्पेस दिया हो कि यहाँ पे मैं छोटा मोटा ना कुछ ना कुछ सामान रखते रहता हूँ। और बाकी जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये है वायरलेस चार्जिंग का, यहाँ पे आप फोन रख दो आराम से चार्ज हो जाता है। इसी के साथ में आप लोगों को वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, जो भी है ये सारी वेंटिलेटेड सीट है। दोनों साइड में आप लेवल सेट कर सकते हो, दो जगह का लेवल है वेंटिलेटेड सीट्स का। तो यहाँ पे फैन का देखो आप लोगों को हल्का सा सुनाई दे रहा होगा, तो इसका दो लेवल सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आती है जब वेंटिलेशन इसका सीट्स का भी ऑन कर देते हैं, बट वैसे ठीक रहता है। मतलब अच्छा खासा गर्मी के टाइम में ना बहुत ही यूज़फुल फीचर है, क्योंकि गर्मी में बैठे बैठे आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो बेसिकली स्वेट हो जाता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, बट ये चीज़ इसमें अच्छी चीज़ दी गई। इसी के साथ में आप लोगों को ग्लव बॉक्स जो दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, देख लो आप सामान देख लो कितना रखा हुआ है। इसी के साथ में AC का भी यहाँ पे वेंट दे रखा है, जो भी चीज़ रखोगे बेसिकली ठंडा रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा, बट जो कूलिंग रहेगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी अगर आप लोग ये यूज़ करते हो तो। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे ना दो सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, यही सेम चीज़ पीछे भी है आप लोगों को, पीछे वाली सीट्स के लिए भी चार्जिंग के लिए मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पे 12 वोल्ट का यहाँ पे जो आप लोगों को चार्जिंग सॉकेट है वो भी मिल जाता है। इसके अलावा जो ये जो टच पैनल है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। यहाँ पे बेसिकली आप ड्राइव कर रहे हो ना, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है। मतलब यहाँ पे आप आराम से जो है जो AC है ऑन ऑफ कर सकते हो। बस थोड़ा सा चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों को ना स्पेसिफिक फंक्शन देखना है तो उसको टैप करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, क्योंकि बटन्स का जो है वो हमारी ना मेमोरी मसल मेमोरी जल्दी काम करती है, बट टच के लिए उतनी काम नहीं करती क्योंकि हम लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता है। ये है बाकी आप लोगों को AC नॉब्स मिल जाता है यहाँ पे, इसके साथ में भी क्रोम फिनिश मिलती है और आप लोगों को लेफ्ट साइड में भी मिल जाता है, इधर से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये वार्निंग लाइट वाला हो गया, वार्निंग लाइट वाला बेसिकली यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड अभी जाते हैं पीछे वाली सीट पे, पीछे वाली सीट की बात करते हैं कि आप लोगों को लेग स्पेस कितना मिलता है। तो पीछे बैठ के आप लोगों को देखो कैसा लग रहा है यहाँ पे। मैं जो सीट जो मेरी आगे ड्राइविंग सीट रहती है ना, मैक्सिमम टाइम मैं ही चलाता हूँ, बोलने के लिए रहता है कि वाइफ को दे रखी है, बट हर टाइम मैं ही चलाते रहता हूँ। एनीवेज जो पॉइंट है ये है कि मैं पीछे जैसे बैठा हूँ ना, तो मेरा यहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पे जब मैं पीछे बैठा हूँ तब भी मेरे पास में काफ़ी जगह है। मतलब यहाँ पे देखो ये इतना मैंने बिल्कुल पीछे सीट कर रखी थी, क्योंकि मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा था, इतना तो नहीं रहता है। तो अभी बात करी जाए तो पीछे वाली सीट की, तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि ये सीट है यहाँ तक है, मैं ड्राइविंग सीट इतना पीछे रखता हूँ। कंपेयरिंग टू मतलब जो बाकी जब सब ड्राइव करते हैं ना वो थोड़ा सा पीछे नहीं रखते, मेरे में थोड़ा चंडीगढ़ वाला वो अंदर से है तो मैं काफ़ी पीछे होके चलाता हूँ। बट एनीवेज आप लोगों को सीट की अगर देखा जाए ना, तो मतलब इतना आप लोग देखो मेरे को कितना लेग रूम मिल रहा है। हाँ, थाई सपोर्ट जो है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देखो। तो मेरा हाइट है 5'11" और बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो मैं इजीली कंफर्टेबली बैठा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ना आप लोगों को स्पेस का कमी लगेगा अगर आपका हाइट ज़्यादा है,
यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, बट मैं थोड़ा सा अगर नीचे झुक के अगर बैठता हूँ ना तो मेरे को कंफर्टेबल लगेगा, बट मोस्टली जो मैं बैठता हूँ, मैं आगे बैठता हूँ तो मेरे को उतना कंफर्टेबल, मतलब मैं आगे वाली फील सीट पे कंफर्टेबल फील करता हूँ। जो भी पीछे बैठ रहा है उसको थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर गाड़ी उछली तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हेड टच होएगा, तो वो चीज़ एक ड्रॉबैक है सेडान्स का। ये स्पेसिफिकली मतलब सेडान्स के लिए बोल रहा हूँ, एसयूवी में आप लोगों को ऐसा नहीं लगता क्योंकि ऊपर अच्छा खासा रूम मिलता है, तो एसयूवी के लिए आप लोगों को ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, अच्छा खासा रूम मिलता है। बट सेडान में ये रहता है क्योंकि थोड़ा सा एरोडायनामिक्स देख के बनाया जाता है डिज़ाइन, पीछे थोड़ा सा शार्प कट रहता है, उसकी वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम आती है, वरना अदरवाइज मतलब जो सेडान में है स्पेस वेस है वो सारी अच्छी है स्कॉडा स्लाविया में। अभी तक तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अभी जितने भी हैं मतलब हम लोग फैमिली के साथ में ट्रैवल किए हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आराम से पहुंचे गए। तो गोवा गए थे हम लोग बेसिकली दिसंबर के मंथ में, तो 600 प्लस किलोमीटर था, आराम से चले गए मतलब विदाउट एनी ब्रेक, मतलब थोड़ा सा एक जगह रुके थे लंच के लिए, उससे ज़्यादा कहीं नहीं रुकना पड़ा, बट कम्फर्टेबल था। बाकी और पीछे वाली सीट में देखा जाए तो ये मिल जाता मेरे को कप होल्डर, जो कि बहुत ही अच्छा है, अगर दो जने बैठते हैं काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है, अपना चाय वाय ग्रैब करके यहाँ पे रख लो, और फैमिली अगर आती है तो फैमिली के लिए अच्छा रहता है, ये फैमिली मैक्सिमम टाइम पीछे बैठती है तो उसके लिए उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। प्लस आप लोगों को यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है दो सी टाइप के, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो अभी जो भी पोर्ट आ रहे हैं वो सी टाइप ही आ रहे हैं, और एसी वेंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। पीछे जो तीन है ये आप लोगों को हेडरेस्ट मिल जाता है, बीच वाले में अगर कोई बैठेगा बीच वाले के लिए भी है, बट बीच वाले के लिए जो सीट है ना उतनी कम्फर्टेबल नहीं थी, तो बकेट सीट है, तो अगर आप बकेट सीट में साइड साइड के लिए देखोगे वो तो अच्छा रहेगा, बट बीच वाले के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा। तो बेसिकली फाइव सीटर कहते हैं बट फोर सीटर ही होती है, पांच जने तो मैक्सिमम टाइम बैठ के जाते नहीं है कहीं लंबा ड्राइव अगर पे जाना हो तो। रीडिंग लाइट्स है, रीडिंग लाइट्स वाइट ऑलरेडी दी हुई है, तो काफ़ी अच्छा है इसका है, ये देखो ऑन ऑफ, मतलब अभी तो मैंने वैसे डोर खुला हुआ है तो उसके लिए ऑफ नहीं हो रही है, और ऑफ करना हो तो मेरे को यहाँ पे बटन से कर सकते हैं, और ये रीडिंग लाइट के कारण हम रिकॉर्ड भी कर पा रहे हैं, और रीडिंग लाइट के कारण हम रिकॉर्ड भी कर पा रहे हैं। मैक्सिमम गाड़ी में पहले ऐसा होता था कि आगे आगे लाइट आती थी, पीछे वाले में आती थी, यहाँ पे दिखता नहीं था, चार्जर कुछ गिर जाए कुछ भी गिर जाए नहीं दिख सकता था। यहाँ की बात की जाए तो आप लोगों को यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, ये है आप लोगों का नॉब क्रोम फिनिश में, ये भी मिलता है, बाकी आपका जो मिरर अप डाउन का है ये, और यहाँ पे है आपका स्पीकर, यहाँ पे आपका ट्विटर, और ये मेरे को यहाँ पे स्कॉडा वालों ने ऑलरेडी मैश दिया था जिससे कि थोड़ा सा लाइट जो है सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप लोगों का है 1 लीटर की बॉटल आराम से आ सकती है, सेम चीज़ आप लोगों को हर डोर पे मिलेगी। हाँ, एक चीज़ और अच्छी है कार में कि ये जो आप लोगों का सीट है ना ये 60-40 रेशियो में, मतलब आप आगे कर सकते हो, बेसिकली अगर मेरे को ये सीट आगे करनी पड़े ना तो मैं इसको आराम से आगे कर सकता हूँ, और यहाँ पे और स्पेस मिल जाती है मेरे को पीछे साइड में, तो अगर तीन जने ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी अच्छा रहता है, अगर चार जने ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए इधर धोखा हो जाता है, उधर वाली सीट भी ऐसी सेम तरीके से आगे हो जाती है। मेरे को तो लगता है अगर लॉन्ग ड्राइव में ना यहीं से स्नैक्स निकाल सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि हम लोग बेसिकली एक स्नैक का खजाना पीछे रख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है लुक ऐसा था कार का, काफ़ी हद तक मतलब जो पार्ट्स वाइज अभी मैंने समझाया, मैं आप लोगों को इंजन वाइज उसका क्या स्पेसिफिकेशन है आप लोगों को अभी तक के व्लॉग्स में ना आप लोगों को ऑलरेडी पता लग गया होगा, तो वो बता के कुछ फ़ायदा नहीं है, जो एक्चुअल बात है अब मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। तो अभी आप लोगों को रियल टाइम एक्सपीरियंस बताते हैं, बेसिकली स्कॉडा ने ना मेरे को पे किया है ना किसी चीज़ के लिए मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, तो अभी जो मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि अभी तक का जो 6400 किलोमीटर्स में जो मैंने गाड़ी अभी तक चला ली है उसका बेसिकली एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो राजेश भाई को थोड़ा कैमरा पकड़ा देता हूँ मैं। तो जी देखो, यहाँ पे रियल टाइम एक्सपीरियंस की बात की जाए तो स्लाविया में मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी, वो है कि आप लोगों का जो बिल्ड क्वालिटी है अभी की गाड़ियों में जो बिल्ड क्वालिटी आ रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का क्या रहता है, जो आपको बॉनेट का अगर क्वालिटी देखेगा ना तो यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करोगे ना तो अच्छे से प्रेस नहीं होता है, तो ये चीज़ अगर मैंने ह्युंडई की गाड़ी अगर मैं देख लूँगा तो मैं सीधे कंपनी का नाम ले रहा हूँ बेसिकली, बट ह्युंडई की गाड़ियों में एक्चुअली में शीट जो है काफ़ी पतली हो चुकी है, उसकी वजह से ना मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना अगर डैमेज होती है गाड़ी तो वो इम्पैक्ट काफ़ी अंदर तक जाएगा, बट ये चीज़ मतलब मैंने स्कॉडा और फोक्सवैगन में अभी तक ये चीज़ कमी नहीं देखी है, ये चीज़ मेरा बहुत प्लस पॉइंट था इस गाड़ी को लेने का। इससे पहले मैं फोक्सवैगन पोलो यूज़ कर रहा था तो पोलो में भी मेरे को मतलब बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल टॉप क्लास लगी, फिनिशिंग दिखेगी जो एजी डिज़ाइन दिखेगा वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका जो लुक है ना थोड़ा सा मेरे को BMW टाइप से दिखता है, और अपनी अगली गाड़ी भी अगर होगी ना तो वो BMW होएगी।
इसके अलावा आप लोगों को हिंट यहाँ पे मिल रहा है मेरी टी शर्ट पे, बेसिकली क्या आने वाला है, जो बाइक में एडिशन आने वाला है वो किसके रिलेटेड है, तो कमेंट्स करके बताओ मेरे को कि कौन सी बाइक आने वाली है अगर आप लोग स्टोरी देखते होगे। तो एनीवेज क्या वो होने वाली है, फिर से स्पोर्ट्स बाइक या इनलाइन फोर या ADV बताओ, या क्रूजर हो सकती है, बट ये जरूर नहीं होगी। अभी बात की जाए ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, अंधेरा काफी हो रहा है जल्दी से बता देते हैं। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस सो फार वेरी गुड, 179 जो MM का जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है गाड़ी में, वो इसका बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि जनरली सेडान में 165 और 165 के ऊपर रहता है। तो अभी अगर आप लोगों को यहाँ पे ना थोड़ा सा नीचे करके दिखा देते हैं कि इतना ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है मेरे को, तो अगर मैं 179 MM का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि एक इसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। फोक्सवैगन के जो अगर जो फैंस हैं वो बेसिकली फोक्सवैगन वर्चुस भी ले सकते हैं। स्कॉडा का मैं, मेरे को अच्छा लगा था, फोक्सवैगन मैं ऑलरेडी ओन कर चुका था, तो मैंने सोचा स्कॉडा के लिए जाते हैं। स्कॉडा में मेरे को मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन विजाइन ना अच्छा नया मिलता है। फोक्सवैगन में क्या रहता है, इंटीरियर्स अगर आप डैशबोर्ड और वो सब का डिज़ाइन देखोगे लगभग सेम बनाते हैं। इस बार थोड़ा वर्चुस में चेंज मिला था, बेसिकली जब मैंने खरीदा था उस टाइम पर वर्चुस नहीं थी। और जो आप लोगों को ड्राइव एक्सपीरियंस है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हाईवे में भी अगर आप जाते हो ना तो आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप अच्छी हाई स्पीड पे भी हो बहुत स्टेबल है। और उसके साथ में आप लोगों को अगर कहीं अचानक से जो आप लोग ब्रेकिंग करनी पड़ती है ना, ब्रेकिंग रिस्पांस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। टायर जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है टायर गुडियर एश्योरेंस का जो टायर है इसमें मिलता है, तो इसका मेरे को जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जो इसका ऑल रोड ग्रिपिंग है वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड इसके साथ में जो डिस्क ब्रेक, आगे दो डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे वाले जो हैं पीछे वाले में आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, तो पीछे वाले डिस्क ब्रेक नहीं है। तो अभी देखो थोड़ा सा अंधेरा हो गया, मेरे ख्याल से तो अच्छा ही टाइम है व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि अभी अब मैं आप लोगों को क्या दिखा सकता हूँ, इसका लाइट का थ्रो दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी इसको ऑन करते हैं एंड उसके बाद में आप लोगों को थ्रो दिखाते हैं लाइट का। तो अभी जो है देखो मैंने लाइट ऑन कर दिया, थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो आप लोगों को लाइट ज़्यादा पता लगेगी। तो अभी यहाँ पे देखो कितना मतलब अच्छा लाइट का थ्रो है, यहाँ पे आगे देखो आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा वहाँ तक जा रही है ये, जबकि अभी लो बीम में है, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी आप लोगों को जो आगे जो लाइट है ना, ये आपको DRLs मिलती है, अच्छा सा एक लुक आता है, अगर आप लोग रोड प्रेजेंस देखोगे ना वो काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी। बाकी अगर टेल लाइट की बात की जाए तो टेल लाइट देखो आप लोगों को ऐसा कुछ मिलता है एंड काफ़ी अच्छा, पीछे से भी गाड़ी का ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा आता है। क्रोम फिनिश आप लोगों को यहाँ पे नीचे भी मिलेगी। सेंसर है आप लोगों को जो जब आप रिवर्स गियर लेते हो ना, तो उसमें कैमरा जो है वो आप लोगों का जो कैमरा है यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये कैमरा है। कैमरा का जो व्यू क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छा नहीं कहूँगा, बट ठीक है काम चला हुआ है, एटलीस्ट लंबी गाड़ी मैनेज करने के लिए अच्छा खासा हो जाता है। बाकी आप लोगों को गाड़ी का ना एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, स्पीड पिक जो है इसका, ये देखो अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी एक्सेलरेट करता हूँ, तो इसका मतलब जो थ्रॉटल रिस्पांस है ना वो काफ़ी अच्छा है। एंड मेरे को जो और एक चीज़ अच्छी लगी जो कि है यहाँ पे पैडल शिफ्टर, तो पैडल शिफ्टर जो है आप लोगों को यहाँ पे लाइट जला देता हूँ, देखो लाइट भी अच्छी खासी है आप लोगों को, जो पूरा कार में जो अंदर है ना वो लाइट का जो है आप लोगों को विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। एंड इसी के साथ में ये जो है आप लोगों को यहाँ पे पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर का अच्छा बात यह है कि अगर आप लोगों को मैनुअली चलाना है तो यहाँ पे आप लोगों को देखो ये ड्राइविंग, स्पोर्ट्स और एक मैनुअल मोड है, तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ एक यहाँ पे अगर मैं एक क्लिक करता हूँ तो स्पोर्ट्स मोड में चला जाता है। इसके बाद मैं दोबारा अगर मैं यहाँ पे इसको इस साइड में कर देता हूँ तो ये M1 दिखा रहा है, बेसिकली इसका मतलब होता है मैनुअल। और यहाँ पे मैं जो है गियर में है नॉब से चेंज कर सकता हूँ। बाकी जो ये चीज़ है ना ये ऑन ऑफ कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम डीएक्टिवेटेड, तो ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड रहता है। उसके वजह से सीन क्या होता है कि आप लोग जब भी हैवी ट्रैफिक में हो और थोड़ा सा भी ब्रेक करके अगर रखते हो तो उससे ना आप लोगों की गाड़ी है वो तुरंत ही ऑफ हो जाती है, बेसिकली वो अच्छा नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अगर हम लोगों को चाहिए तो बेसिकली वो ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हर बार इसको ऑफ करना पड़ता है। और बाकी आप लोगों को यहाँ पे ये स्विच मिल जाता है, इसकी वजह से आप जो है गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो।
बाकी जो आप लोगों को रिवर्स गियर का यहाँ पे कैमरा में व्यू मिल जाता है वो दिखा देता हूँ। बेसिकली अगर मैं रिवर्स गियर में यहाँ पे डालता हूँ तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का डिस्प्ले दिखता है। नाइट में विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आती है, बट ठीक है, काम चला हुआ है। एंड जो आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा जो रेंज है वो दिख जाती है यहाँ पे ग्रीन कलर में और यहाँ पे रेड लाइन में। तो ये चीज मतलब थोड़ा सा यूजफुल फीचर है, बट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। और बाकी 360 डिग्री जो व्यू है इसमें ये नहीं आता है। माइलेज की बात की जाए तो माइलेज जो मेरे को मिलता है इन सिटी वो मिल जाता है लगभग 10 से 12। और जो अगर आप लोग हाईवे पे अच्छा खासा ड्राइव करने जाते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को मिलेगा अराउंड 14 to 16। तो ये है इसका मैक्सिमम माइलेज। इससे ज्यादा अगर आप लोग बहुत ही इकोनॉमी मोड में चलाते हो, थोड़ा सा एक्सलरेट भी नहीं करते हो, 80 के नीचे चलते हो, तो आप लोगों को कुल मिला के 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। इस तरीके थे कुछ गाड़ी के फीचर, आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी एक आप लोगों को यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी मिल जाती है, अच्छी चीज है, फीचर्स काफी अच्छे हैं। हॉर्न की अगर बात की जाए तो हॉर्न इसका जो पहले जो अच्छा आता था ना वैसा नहीं है अभी, बट इसका हॉर्न कुछ ऐसा है। और राइट जी, तो आप लोगों को आई होप आज का जो रिव्यू ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। जितना भी था ऑनेस्ट, जितना भी जो फीडबैक था मेरा वो ऑनेस्ट फीडबैक था। गाड़ी में कुछ कमी नहीं है, ओवरऑल जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो एक चीज़ मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि है जो ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप। आप जब हैवी ट्रैफिक में रहते हो ना, वो अपने आप से बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑन रहता है। तो आप कहीं पे भी हल्का सा भी ब्रेक करोगे तो उसके बाद में वो स्टॉप हो जाता है इंजन। बट वो चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं करनी चाहिए थी, बेसिकली वो चीज़ हटाई जा सकती है। मे बी शायद किसी इसी क्लस्टर अपडेट में हो सकता है उस चीज़ का फिक्स हो। तो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। चाहे ओनरशिप रिव्यू है आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर देना जो भी आप के फ्रेंड्स अगर इस गाड़ी के लिए प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम ID इज़ नदीम अलवी व्लॉग्स, जो आप लोगों को यहाँ पे नीचे दिख रही है। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। दिस इज़ नदीम, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।